हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, अ हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, द फंक्शन ऑफ विच टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन द कंप्लीट हेल्थ केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, हुज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट थ्रू द फैमिली एंड इट्स होम एनवायरमेंट। द हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर बायोसोशल रिसर्च। WHO के अकॉर्डिंग हमारा हॉस्पिटल एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे सोसाइटी का, और हमारा इसका मेन फंक्शन होता है लोगों को कम्प्लीट क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव सर्विसेज देना, लोगों को हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देना और बायोसोशल रिसर्च में पार्टिसिपेट करना। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल का मेनली 5 क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला सिस्टम, मतलब हमारा हॉस्पिटल किस टाइप का हो सकता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगिक, मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है वो किस तरीके के मेडिसिन का यूज़ करता है वो उसके बेस पर डिवाइड किया जाता है सिस्टम। दूसरा हमारा साइज़, मतलब हमारे हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, उस बेसिस पर बेड को डिवाइड किया जाता है। 50 बेड, 100 बेड, 200 बेड, 300 बेड, 1000 बेड। ठीक है। अगला हमारा आएगा फंक्शन, मतलब हमारे फंक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा हॉस्पिटल किस टाइप का। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब हमारे जो हॉस्पिटल जो प्राइमरी केयर के लिए सिर्फ होते हैं, जो पेशेंट को प्राइमरी केयर सिर्फ देते हैं। ठीक है। सेकेंडरी केयर जो थोड़ा हाई लेवल की केयर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी। टर्शरी केयर मतलब जो पेशेंट को एकदम हाई लेवल की सर्जरीज और हर तरीके की सर्विसेज देते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। अगला आएगा ओनरशिप। हमारा मेनली हम 3 तरीके से डिवाइड होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे होते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट जो रन करती है। प्राइवेट हमारे ये प्राइवेट पर्सन्स के थ्रू रन किए जाते हैं। अगला मान सेमी गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के मिक्सअप से चलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब हमारे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि जनरल हॉस्पिटल होता है जिनमें हर तरीके का ट्रीटमेंट होता है। स्पेशलिस्ट मतलब हमारे ये हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं एक फील्ड में, जैसे कि पीडियाट्रिक हो गया, मेटर्निटी हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है। इस तरीके से। और सुपर स्पेशलिटी में हमारे आ जाएंगे न्यूरो, आ जाएगा न्यूरो हॉस्पिटल, नेफ्रो हॉस्पिटल, कार्डियो हॉस्पिटल। ठीक है। ये हमारे स्पेशलिटी के बेसिस पे हॉस्पिटल डिसाइड होते हैं। अगला हमारा फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहला हमारा फंक्शन होगा केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पर्सन। हमारे हॉस्पिटल का फंक्शन होता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को केयर देना, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ डिजीज़, मतलब हमारा एक हॉस्पिटल का फंक्शन होता है लोगों को प्रिवेंट करना डिजीज़ से, उनको प्रिवेंट करना। हेल्थ प्रमोशन मतलब लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना हॉस्पिटल का फंक्शन होता है, ताकि उनको डिजीज प्रिवेंट हो सके। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, हम यहाँ पे पेशेंट का हॉस्पिटल में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं उनके डिजीज़ का। वोकेशनल ट्रेनिंग, हम यहाँ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ वर्कर्स को। मेडिकल एजुकेशन एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब कि डिफरेंट फील्ड्स में एजुकेशन देना, जैसे कि डिफरेंट फील्ड्स में हम एजुकेशन देते हैं। अगला हमारा फंक्शन है रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, हम यहाँ पे पेशेंट को रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज देते हैं, मतलब जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनको हम उनकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में रिसर्च एक्टिविटीज, हम हॉस्पिटल में रिसर्च एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में न्यू मेडिसिन को, न्यू टेक्निक्स को डेवलप करना। ठीक है। हमारे हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। अगला टाइप्स ऑफ पेशेंट, मतलब हमारे हॉस्पिटल में मेनली 2 टाइप्स के पेशेंट होते हैं, एक आउट पेशेंट एक इन पेशेंट। आउट पेशेंट, इन दिस पेशेंट असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन आर डन एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड विदाउट एडमिटिंग पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब होता है पेशेंट आता है, वो अपना ट्रीटमेंट कराता है, वहीं इन्वेस्टिगेशन कराता है, वो घर चला जाता है, उसको हम एडमिट नहीं करते हॉस्पिटल में। इन पेशेंट, हेयर द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय एडमिटिंग इन हॉस्पिटल, पेशेंट इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल अंटिल रिकवरी। इन पेशेंट क्या होता है, हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसका एडमिट करने का उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको रिकवरी तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। अगला डिपार्टमेंट हॉस्पिटल, हम देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। पहला हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट में आएगा डॉक्टर, नर्सेस, ये सारे हमारे डॉक्टर्स आ जाएंगे सारे। नर्सिंग डिपार्टमेंट में हमारे नर्सेस आ जाएंगे, जो कि हमारे वार्ड्स में, ऑपरेशन थिएटर में, डिफरेंट क्लिनिकल एरियाज में काम करती हैं। थर्ड हमारा आ जाएगा फार्मेसी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा
ये हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होगा हमारे ड्रग की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT, ये सब होता है। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे आ जाएंगे हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ब्लड बैंक फैसिलिटीज, ये सारा हमारा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में आएगा। डाइटरी डिपार्टमेंट, ये हमारा पेशेंट्स को फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और लास्ट हमारा आएगा सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट, मतलब ये हमारा पूरे हॉस्पिटल में स्टराइल इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के सारे अनस्टराइल ऑब्जेक्ट्स को स्टराइल किया जाता है, फिर उनको फिर से रिसप्लाई किया जाता है, जैसे कि ब्लड, लिनन, ब्लैंकेट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टराइल की जाती हैं। ठीक है, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया हॉस्पिटल, उसके फंक्शंस देखे, उसके क्लासिफिकेशन देखा, हमने उसके टाइप्स ऑफ पेशेंट देखे, उसके हमने देखा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। आज के सेशन में यही पेंड करते, थैंक यू।